नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, इस खास पेशकश में आज बात होगी 2024 से पहले योगी मंत्रिमंडल के आखिरी विस्तार को लेकर। तो बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। तो देखिए, जाति जनगणना की कांट ढूंढने में अब जुटी है बीजेपी। पिछड़े वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसका असर अब योगी सरकार 2.0 के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो यह विस्तार दिवाली से पहले संभव है, क्योंकि बीजेपी में इस पर सैद्धांतिक सहमति अब बन गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और घोसी से उपचुनाव हारे पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को जगह मिलना तय माना जा रहा है। इसके अलावा एक दो और नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है, जो दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर की तरह पिछड़े वर्ग से आएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी योगी मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए पिछड़ों को साधने की तैयारी में है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। उनका क्या कहना है? बीजेपी सिर्फ मुद्दों को भटकाने का काम करती है। राजधानी लखनऊ से देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की ये स्पेशल रिपोर्ट। योगी कैबिनेट का जल्द हो सकता है विस्तार। जी हां, उम्मीद की जा रही है सूत्रों के मुताबिक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के बड़े चेहरों की राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद जल्द ही ये योगी कैबिनेट का एक्सपेंशन हो सकता है। ताज़ा जानकारियां जो सूत्रों के मुताबिक मिल रही हैं कि 6 खाली मंत्री के पदों में ज़्यादातर चेहरे ओबीसी वर्ग से होंगे। खासतौर पर ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय है, और ये भी माना जा रहा है कि इन सब के अलावा वो चेहरे जो खासतौर पर ओबीसी समाज के होंगे, वो मंत्री पद के न सिर्फ दावेदार हैं बल्कि शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए अब आपको। मंत्रिमंडल विस्तार पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद अब जल्द ही घोषणाएं हो सकती हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों में सबसे पहला नाम ओम प्रकाश राजभर जी का है, हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, जल्दी मिठाइयां खिलानी पड़ेंगी आपको लोगों को मंत्री बनने की। सोच हम भी रहे हैं कि जल्दी आप लोगों को मिठाई खिलाएं, क्योंकि लंबे समय तक आप लोग भी इंतजार करते करते थक चुके हैं लगता है। नहीं, आपका भी इंतजार काफी लंबा हो गया। नहीं, हम तो देखिए मंत्री के लिए हम इंतजार नहीं करते। हम वो वंचित, शोषित, कमजोर, गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनको हम हक के लिए जागृत करते हैं कि अपने हक के लिए लड़ो। मुलायम सिंह को, अखिलेश जी को, सोनिया जी को, मायावती को वोट दो, लेकिन देने के बाद आपको क्या मिले इसकी जानकारी तो करो, ये डिमांड भी तो रखो। तो उनके बीच में कि ये दिवाली मंत्री वाली होगी आपके लिए, ये भी जानकारी मिल रही है कि दिवाली से पहले ही ऐसा कुछ एक्सपेंशन और शपथ ग्रहण के लिए आपको फोन आएगा, हो सकता है, जानकारी मिल रही है ऐसी कुछ? कल बताएंगे। हाँ। कल 7 तारीख है। हाँ। कल बताएंगे। कल ही तो नहीं है शपथ ग्रहण? नहीं, कल नहीं। हाँ। कल नहीं है, कल बताएंगे। हाँ। आज शाम को क्लियर करेंगे या कल सुबह तक, तो फिर 10 बजे के बाद बताएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर ओबीसी चेहरों को तरजीह दे रही है। 6 मंत्री के पद खाली हैं, यानी जिन्हें भरा जाएगा, और उनमें ज्यादातर चेहरे ओबीसी समाज से होंगे। इसको ये भी बाकी जो राजनीतिक दल कह रहे हैं कि ओबीसी वोट बैंक को लेकर राजनीति है, लोकसभा चुनाव को लेकर खासतौर पर ओबीसी समाज को साथ जोड़ने के लिए कदम उठाया जा रहा है। कौन विपक्षी पार्टी है? समाजवादी पार्टी पीडीए बनाया तो फिर पीडीए से पीडीए बना दिया। पीडीए किस लिए बोलते हैं अखिलेश जी? पीडीए का नाम लेकर के पिछड़ों का हक लूटते हैं। 5 साल लगातार मुख्यमंत्री थे, कितना हिस्सा दिया पिछड़ों को? 18% मुसलमान उनको वोट दिया। कितना सिपाही बनाया अखिलेश जी ने? कितना दरोगा बनाया? कितना वार्ड बॉय भर्ती किया है? एक भी आंकड़ा उनके पास है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरकार में मंत्री और प्रदेश में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं। कश्यप जी, ये बातें हो रही हैं कि ओबीसी को वर्ग को खास तौर पर इस बार कैबिनेट में तरजीह मिलेगी। 6 सीटें, जो 6 पद खाली हैं, उनमें से एक अगर ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो 5 बड़े चेहरे हो सकते हैं ओबीसी वर्ग से। इसको कैसे देखते हैं?
प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, देश की राजनीति हो या प्रदेशों की राजनीति, लगातार पिछड़े समाज के लोगों को राजनीति में बढ़ावा मिला है। केंद्र की सरकार में ओबीसी मंत्रियों की संख्या का प्रतिशत 35% है। उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट में 41% ओबीसी समाज के एमएलए एमएलसीज को मंत्री बनाने का काम हुआ। कर्नाटक तेलंगाना में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया कि यहाँ वहाँ यदि सरकार बनती है तो ओबीसी ही हमारे उस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी के युग में पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक हिस्सेदारी और शिक्षा के क्षेत्र में जो बढ़ावा मिला है, निस्संदेह पूरे देश में प्रदेश में ओबीसी समाज के लोगों ने महसूस किया है कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी पार्टी और किसी सरकार में हमें अपने अधिकार मिले हैं, तो निस्संदेह वो भारतीय जनता पार्टी है। 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस और दूसरे दलों ने देश और प्रदेशों में राज किया है, रोटी कपड़ा और मकान का नारा देकर, परिवार की परिधि में भ्रष्टाचार के आकार में सत्ता चलाते हुए देश को लूटने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने पिछड़ों को समुचित अधिकार देकर पूरे देश में मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। इसलिए हम स्पष्ट हैं कि 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में तमाम देश और प्रदेश के पिछड़े समाज के लोग इकट्ठा होकर मोदी जी के समर्थन में खड़े होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि खासतौर पर ओबीसी समाज को तरजीह दी जा रही है और इसको वोट बैंक से जोड़कर भी देखा जा रहा है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी समाज को, समूह को वोट बैंक के रूप में कभी नहीं देखती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास की अवधारणा पर सत्ता और संगठन का संचालन करती है। ये बात ठीक है कि जिन समाजों को, समूहों को अभी तक संविधान सम्मत अधिकार नहीं मिले, भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता से उनको अधिकार देती है और पिछड़े समाज के लोग इससे उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पिछड़े समाज के लोगों को ये लगा है कि देश में पहली बार उनके अधिकार उनके घर तक पहुंचे हैं। अब तो ओपी राजभर और नरेंद्र कश्यप को सुना आपने, अब इस पर विपक्षी पार्टियों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। का पेट बहुत बड़ा है, नकली बैकवर्ड प्रधानमंत्री देखे, उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड का सीएम का चेहरा दिखा के फॉरवर्ड बना के दलित और पिछड़ों के साथ धोखा करके अब वो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के सम्मेलन करवाएगी। मैं तो ये कह रहा था उसको हिंदुओं का सम्मेलन करवाना चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा बात करती है कि ये जो राजनीतिक दल हैं, जो तमाम सारे वर्ग और जाति की राजनीति करने वाले दल हैं, वो शायद गलत करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, इन नेताओं से उसकी खानापूर्ति हो नहीं पा रही है। इसी वजह से बीजेपी स्वयं पिछड़ों का तमाम सारे ऐसे सम्मेलन करवाने के लिए प्रयत्नशील है। मंत्रिमंडल का जो विस्तार अब भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, उस पर कुछ सवालिया निशान उठते हैं। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार पहले हो सकता था तो पहले क्यों नहीं किया गया? किस वजह से मंत्रिमंडल को अब तक विस्तार होने से रोका गया? दूसरी चीज, एक सवाल निशान और उठता है, क्या जाति देखकर अब मंत्री बनाए जाएंगे? उनकी कार्य क्षमता, उनकी लोकप्रियता, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रह गया आज भारतीय जनता पार्टी में? सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करेगी भारतीय जनता पार्टी? ये कुछ सवालिया निशान हैं जो एकदम वाजिब है। और आज की पॉलिटिक्स, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, तो क्या इस तरह की बातें उन्हें शोभा देती हैं? तो देखिए, बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार की प्लानिंग चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये समय मंत्रिमंडल विस्तार का क्या जाति के आधार पर होगा मंत्रिमंडल विस्तार, इस तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करूंगी। और मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी। सर देखिए, एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से जातिगत जनगणना का कार्ड खेला गया है और अब कार्ड या इसकी कार्ड करने में
में बीजेपी जुट गई है, कांट ढूंढने में जुट गई है और अब बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सामने आ रही है। 6 पद क्योंकि रिक्त खाली हैं, जिनमें से दो, एक तो देखिए दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर का तय है नाम, और भी ओबीसी कैंडिडेट्स को शामिल किया जा सकता है, नेताओं को शामिल किया जा सकता है और अब ओबीसी कार्ड खेलने में जुट गई है बीजेपी, इस पर क्या कहेंगे सर? डॉक्टर संजय सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना वॉल्यूम अनम्यूट करें प्लीज। हाँ फिर से जी सर, एक बार सवाल फिर से दोहरा दें। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, एक तरफ जहां विपक्ष जातिगत जनगणना की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ अब बीजेपी जो है ओबीसी जो तमाम कैंडिडेट्स हैं, जो नेता हैं, उनको अपने जो 6 रिक्त पद हैं उन पर अब मंत्रिमंडल विस्तार की योजना बना रही है, जिसका जल्द ही ऐलान भी होने की संभावना जताई जा रही है। एक तरफ तो दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर का नाम तय है, एक दो और मंत्रियों को जो ओबीसी पिछड़े वर्ग से आते हैं इसमें शामिल किया जाएगा, क्या मायने इसके साफ निकल कर आ रहे हैं सर? देखिए ऐसा है कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मंत्री परिषद में, पहले तो ये हम अंतर समझ ले, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, तो बेसिकली यह मंत्री परिषद का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल का मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो मंत्रिमंडल कहलाता है, लेकिन मंत्री परिषद का मतलब जो पूरे मंत्रियों की जो संख्या होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री, ये 4 मतलब होते हैं और इनको मिलाकर मंत्री परिषद, तो ये विस्तार तो मंत्री परिषद का होगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार 15% जो विधानसभा के जितने सदस्य संख्या उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। उस हिसाब से वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर को मिलाकर 52 मंत्री हैं और मुझे लगता है कि 8 या 9, 61 हो सकता है, कुछ विशेष परिस्थिति में 61 भी हो सकते हैं, तो ये मैक्सिमम जो अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में वह 61 मंत्रियों की हो सकती है। अब रही बात ये मुख्यमंत्री के ऊपर, विवेक के ऊपर या उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसको मंत्री बनाते हैं और किसको मंत्री नहीं बनाते हैं, तो ये तो एक संवैधानिक प्रावधान है जिसके आधार पर हर एक सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है, जो भी सत्ताधारी पार्टी उसको निर्णय लेने का अधिकार है। अब रही इसका दूसरा पक्ष, राजनीति। अभी मैं बयान सुन रहा था ओम प्रकाश राजभर जी का, एक सवाल जो मैं करना चाहता हूं कि आखिर मंत्री पद अगर उनको इतने ही पिछड़ों की चिंता है तो वे स्वयं हारे हुए व्यक्ति हैं, दारा सिंह चौहान भी हारे हुए व्यक्ति हैं, इन्हीं को क्यों मंत्री बनाया जा रहा है? आपके समाज से बहुत सारे विधायक और चुनकर आए हैं, उनमें से जीते हुए किसी को मंत्री या बना दे तो शायद आपकी यह बात सही हो जाएगी कि हाँ आप पिछड़ों के हक के लिए लड़ना चाहते हैं। तो देखिए केवल अब यह जुमलेबाजी की बात रह गई है कि आप पिछड़ों के हक के लिए, अति पिछड़ों के हक के लिए करना चाहते हैं। यह पूरी तरीके से 6 महीना चुनाव रह गया है लोकसभा चुनाव का और एक रेवड़ी बांटने की बात है जिसमें आपको भी कुछ मिल जाए और उसके आधार पर आप पिछड़ों के गुणगान करना शुरू कर दें और पिछड़ों के हक की बात करना शुरू कर दें, मुझे नहीं समझ में आती है। इस प्रकार की यह जो राजनीति है वो पूरी तरीके से एक पक्षीय राजनीति है। भाजपा की मजबूरी हो सकती है लेकिन ओम प्रकाश राजभर की क्या मजबूरी मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो यह चीज जो मुझे लगती है। बिल्कुल दिलीप जी, देखिए संजय जी ने कहा कि आप उससे भी सहमत रखते हैं सहमति, और दूसरी तरफ देखिए विपक्ष का ये कहना है कि भाई इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार क्यों और अब जाति के आधार पर क्यों बांटा जा रहा है, उनके कैंडिडेट्स के जो काबिलियत है उसको क्यों नहीं आंका जा रहा है? देखिए विपक्ष का पहला सवाल कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब क्यों, इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि ये सरकार का, जिस पार्टी की सरकार होती है उसका अपना प्रेरोगेटिव है कि वो कब मंत्रालय बढ़ाएगा कब घटाएगा, जो लिमिट उसके बाहर एक्सीड नहीं होना चाहिए वो अलग बात है। दूसरा, जाति को देख करके मंत्री बनाया जाएगा तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं सारी पार्टियां यही करती आई हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कोई नई परिपाटी शुरू कर रही है, जातिगत चेहरा देकर के मंत्रिमंडल में लाना या उसको प्राथमिकता देना, ये कोई नई बात नहीं है। काबिलियत की बात अगर करी जाए तो अगर काबिलियत के आधार पर मंत्रालय बांटा जाएगा तो मुझे लगता है मंत्रालय भर ही नहीं पाए, सारे मंत्रालय खाली रह जाएंगे, इक्का दुक्का छोड़ देंगे, काबिल मंत्री कुछ ही है बाकी सब काबिल नहीं है, सब जातिगत जाति
जातिगत कार्ड खेलने में काबिल है, अगर उस मंत्रालय के हिसाब से योग्यता देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक भी मंत्री निकलेगा ही नहीं जो इस लायक नहीं निकलेगा जिसको मंत्री बनाया जाए। और ये जो राजनीति है, जिसको हम लोग राजनीति कह रहे हैं, चाहे सत्ता कह रही हो चाहे विपक्ष कह रहा हो, ये बेसिकली राजनीति नहीं है, राजनीतिक मजबूरी। राजनीतिक मजबूरी के चलते हमको जाति का कार्ड, धर्म का कार्ड, सारे कार्ड खेलने पड़ते हैं और ये कमोबेश हर राजनीतिक पार्टी करती है। और इस समय अगर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है और जातिगत आधार पर उन चेहरों को शामिल किया जा रहा है जो चेहरे हारे हुए हैं, जैसे दारा सिंह चौहान अभी रिसेंट में घोसी का चुनाव हारे हैं, राजभर साहब के ऊपर पूरा दारोमदार था कि वो घोसी का चुनाव जिता करके ले आएंगे, लेकिन वो हार गए। उसके बाद जब उनके सर पे ठीकरा फोड़ा गया तो वो फिर नाराज हो गए। उनकी खासियत है राजभर की, वो नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं तो पार्टियां उनको मनाने में लग जाती है। अब उनके अंदर ऐसी कोई तो बात होगी, इसका मतलब उनके साथ जनसमूह काफी है, जिसकी वजह से भाजपा उनको हारने की बात भी अपने आप प्राथमिकता दे रही है, बिल्कुल, और प्राथमिकता दे रही है। और मंत्री परिषद में जिस तरह से जिक्र किया संजय जी ने कि जगह देने वाली है जल्दी, मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप दारा सिंह चौहान से, वो ओपी राजभर से बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जल्दी जो है खुलासा होगा, आप मिठाइयों का भी जिक्र कर रहे थे, तो क्या लगता है कल क्या ऐलान हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? किस तरह की सुगबुगाहट इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है? यहाँ बिल्कुल ये पहली बार नहीं है, बीते कुछ महीनों से ये सुगबुगाहटें तेज हो गई थी, लेकिन बीते एक दिन से ये बातें और तेज हो गई हैं और राजनीतिक हलफों में भी तेज हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है, दिवाली के आसपास की तारीखें सामने आ सकती हैं। और आज जिस तरह भी बातचीत के दौरान इंडिया न्यूज पर ओम प्रकाश राजभर ने यह साफ कबूला कि हाँ, आज से कल के बीच उन्हें तारीखों के बारे में बताया जाएगा, यानी औपचारिक तौर पर उन्हें वो डेट बताई जाएगी जिस दिन उन्हें शपथ लेनी है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ओम प्रकाश राजभर ने ये बात मानी है कि हाँ, अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर औपचारिक तारीखें सामने आ जाएंगी जल्द से जल्द। बीते 24 घंटे में इसको लेकर बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी, यानी पर्दा उठ जाएगा। साथ ही साथ जो बाकी मंत्री पदों की बात की जा रही है, यानी 6 जो पद रिक्त हैं, उनमें से एक अगर ओम प्रकाश राजभर को ले लिया जाए और 5 की बात की जाए, तो उसमें जो रणनीति है उसके मुताबिक, खासतौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर जो मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है, उसमें उन लोगों को, उन जातीय आधार पर उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जिनका अभी मंत्रिपरिषद में उस तरह से भागीदारी नहीं है। तो खास तौर पर इसको लेकर ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा और ये उम्मीद की जा रही है, जैसा नरेंद्र कश्यप बताते थे, जो न सिर्फ कैबिनेट मंत्री हैं बल्कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज में कई सारी जातियां हैं जिनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी भारतीय जनता पार्टी, ना सिर्फ केंद्र में बल्कि जिन भी राज्यों में सरकार है वहां इस बात की सुनिश्चितता की गई है, और क्योंकि सबसे बड़ी आबादी में ओबीसी बिल्कुल देखिए और इसी को साधने की कोशिश की जाएगी। अभिषेक बने रहिए, फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें ये अपडेट, जहां दिवाली से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, तो विधायक आकाश सक्सेना भी बन सकते हैं मंत्री। आजम खान के विरोधी माने जाते हैं आकाश सक्सेना, इस तरह की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आकाश सक्सेना को मंत्री बनाया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आकाश सक्सेना को भी मंत्री परिषद में जगह मिल सकती है, इस तरह की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, सूत्रों के मुताबिक आकाश सक्सेना वो नाम है जो फेहरिस्त में है मंत्री परिषद में शामिल होने की, और क्योंकि उसके पीछे वजह बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेगी जिस पे अन्याय पर न्याय कि विजय के तौर पर आकाश सक्सेना की लड़ाई को देखा जा रहा है। जिस तरह रामपुर में आजम खान का एक छत्र राज हुआ करता था, उनकी तरफ से किए गए काम, उनकी तरफ से नियमों को ताक पे रखे गए कदम को
आकाश सक्सेना लगातार लड़ाई लड़ते रहे और फिर इतने समय इतने सालों की लंबी लड़ाई कानूनी दौड़भाग के बाद आखिरकार उन्होंने न्याय दिलवाया रामपुर की जनता को और आजम खान के उस समय के उठाए हुए तुगलकिया कदम को, यानी कहा जाए कि उस समय आजम खान जब मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने अपने रसूख के दम पर जो तुगलकी फरमान वो जारी करते थे, जिस तरह की काम या कार्रवाई या लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखवाना, इस तरह की चीजें हुआ करती थी, उसके खिलाफ लगातार आकाश सक्सेना आवाज उठाते रहते थे। और फिर ये बात जब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची और फिर एक के बाद एक सबूत और सारे जो गवाह हैं वो आकाश सक्सेना इकट्ठा करने की मुहिम में लगे रहे और इतने सालों की यानी एक दशक की लड़ाई के बाद आखिरकार आकाश सक्सेना को न्याय मिला और उन्होंने रामपुर के लोगों को भी न्याय दिलवाया और आज आजम खान सलाखों के पीछे हैं। इस लड़ाई को कहीं ना कहीं सिंबॉलिकली भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनता को भी ये मैसेज जाए कि जो लोग लड़ाई लड़ते हैं, सत्य की सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वक्त कितना भी लगे, वो अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, उन्हें मुकाम मिलता है। लिहाजा एक मैसेज देने के लिए उनकी लड़ाई के चलते, उनकी जीत के चलते उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है सूत्रों के मुताबिक। बिल्कुल, देखिए हम इसको लेकर संजय जी से भी सवाल करेंगे। देखिए मेरे सहयोगी ने कहा संजय जी की एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी कर रही है आकाश सक्सेना को जब मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा कि चाहे जितनी भी बुराई कोशिश कर ले लेकिन अच्छाई की जीत होकर रहती है और आगामी चुनावों को देखते हुए 2024 के कितनी सटीक बैठेगी उनकी ये रणनीति बीजेपी की तरफ से। देखिए भाजपा अगर पिछड़े वर्ग की हितैषी बनना चाहती है तो ये जो प्रतीकात्मक जो कार्य कर रही है कि ये दो मंत्री चार मंत्री को शामिल करना चुनाव के पहले, ये कोई नई कवायद नहीं है, कांग्रेस भी इसी प्रकार के कार्य किया करती थी जी। और लगभग हर एक राज्यों में इस प्रकार का काम होता रहा। तो देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस है, इसका इस बात से बिल्कुल लेना देना नहीं है कि इससे पिछड़े वर्ग के अधिकार में और उसके सम्मान में बहुत वृद्धि हो जाए। एक चीज तो यह, दूसरी चीज अगर वाकई भाजपा ऐसा करना चाहती है तो क्यों नहीं वह जाति जनगणना की घोषणा करे कि हाँ पूरे देश में जाति जनगणना करेंगे, इस बार आप हमें मौका दीजिए और ओबीसी के हिसाब से हम पूरी प्लानिंग करेंगे जी। हम उसकी पूरी जनगणना करेंगे, उसके हिसाब से सारा जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है वो हम करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं भाजपा भी राजनीति कर रही है, इसके पीछे इनकी मंशा सिर्फ यही है कि 24 की चुनाव उनको नजर आ रहा है और जितनी भी अति पिछड़ी जातियां इनके साथ पिछले चुनाव में जुड़ी थी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में भी जुड़ी थी, कैसे उनको अपने साथ जोड़े रखा जाए, जबकि वास्तविकता ये है कि इनको पिछले 5 वर्षों में अति पिछड़े समाज को और पिछड़े समाज को समाज के विभिन्न नौकरी के तौर पर देखें या अन्य जगहों पे आप देखेंगे इनके अवसर लगातार कम होते चले गए। आप आंकड़ों के आधार पर देखेंगे, आप अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही देखेंगे जो अभी कुछ दिन पहले ये सूचना भी आई थी कि कुल 91 लोगों में कितने पिछड़े समाज से, तो देखिए बिल्कुल। और इसी को लेकर संजय जी देखिए विपक्ष लगातार निशाना भी साध रहा है। एक शॉर्ट कमेंट मैं इसी पर दिलीप जी का भी लूंगी क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। संजय जी माफी चाहूंगी आपसे। दिलीप जी जी, देखिए संजय जी जो कह रहे हैं मैं उस बातों को टिटो करता हूँ कि ये एक ऑर्नामेंटल है और एक किसी भी समाज के एक दो लोगों को अच्छे पद पर बैठाल देने से उस पूरे समाज का भला नहीं होगा जी। और अगर ये कहा जाए कि उस समाज से निकल के वो व्यक्ति सरकार में पहुंचेगा तो उनकी समस्याओं को वहां रखेगा, उनसे रिलेटेड प्लानिंग को बनाएगा, तो ये भी संभव नहीं है क्योंकि मंत्रिमंडल जब भी कोई सरकारी प्लानिंग बनती है, सरकारी लॉ बनता है, तो वो पूरा विधानसभा लोकसभा मिलकर बनाता है, उसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो किसी एक व्यक्ति के बैठने ना बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप संविधान की सोशल प्रिंसिपल्स को देखें तो इस देश के हर व्यक्ति का समावेश इस देश की राजनीति में होना चाहिए, उस हिसाब से देखा जाए तो जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है और होना चाहिए। लेकिन लेकिन जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सामाजिक प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करना या कंप्लीट करना नहीं होता है, राजनीतिक उद्देश्यों को पाना ज्यादा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात कही आप दोनों ने, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी मैं। अभिषेक आपका भी शुक्रिया करूंगी, आपने महत्वपूर्ण अपडेट्स हम तक पहुंचाई। तो फिलहाल देखिए मंत्रिमंडल विस्तार पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं। फिलहाल देखिए ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को क्या कौन से विभाग मिलते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहे इंडिया न्यूज़।